बरेली में राजेंद्र नगर के पास डीडीपुरम चौराहे पर बुधवार को मांस मिलाकर गन्ने का जूस बेचने का मामला सामने आया है। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मांस मिलाकर गन्ने का जूस पिलाने का आरोप लगाया। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीर सावरकर नगर निवासी कमर राणा ने पुलिस को बताया कि बुधवार शाम 5 बजे वह डीडीपुरम चौराहे पर गन्ने का जूस पीने गए थे। वहां उन्होंने देखा कि बर्फ रखने वाले एक डिब्बे में काले रंग की पॉलीथीन में कुछ रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि कमल राणा को वो पॉलीथीन देखकर कुछ शक हुआ। शक होने पर उन्होंने पॉलीथीन खोलकर देखा तो उसमें मांस रखा हुआ था। कमल का कहना है कि मांस के खून से बर्फ गंदा हो रहा था, उसी बर्फ को वह गन्ने के साथ मिलाकर लोगों को पिला रहा था। इस संबंध में जब उन्होंने गन्ने वाले से पूछताछ शुरू की तो वह भड़क गया और मारपीट पर आमादा हो गया। कमल ने तुरंत ही स्थानीय चौकी में इस संबंध में सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई की। पूछताछ करने पर गन्ने के जूस वाले ने पहले अपना नाम राहुल बताया और बाद में उसका नाम फैजल निकला। यहाँ व्रत वाले लोगों को पिलाया जाता है। और सर मेरा खुद व्रत है, मैं अभी खुद आया था यहाँ पे। ये पड़ोस वाली दुकान भी इसी की है। मैंने सर तुझे नाम क्या बोला? राहुल। बाद में बोला कर फैजल नाम। ये पवित्रता है, मांस बर्फ के साथ मांस रखा जा रहा है व्रत वाले लोगों को। गलती हो गई, गलती होती है, किसी का ईमान भ्रष्ट कर सकता है। कमी नहीं सुधरेगी दादा, इसमें इन पर कार्रवाई होगी। आप